हाय फ्रेंड्स, मु तपन आपण स्वागत करुच्ची ओडिशा स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को। तो आज हम डिस्कशन करिबा आरआईएआर ओमिन एसएफएस और आईसीटीएस सुपरवाइजर पर जीके रो टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो यहाँ हूँ 12 नंबर पार्ट, आगर 11 पार्ट अपलोड हो सारी जो मैंने देखी ना प्लेलीस्ट भिडियो देखिपर। तो यही आपँ डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम देखापी मिले, से भिडियो को स्किप नक देखने चेषा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी पाखे थी बेल आइकन रे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक कर दिंतु, जहाद्वारा कि आगे एमती वीडियो सब बेले देखिपर। तो लेट करवा नहीं चलतु, क्लास स्टार्ट करवा। आज प्रथम क्वेश्चन कौन रही, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड। तो इंडिया रो कौन स्टेट रे कौन राज्य रे कामाख्या टेम्पल रही, कामाख्या मंदिर अवस्थित। तो एक नंबर आंसर कौन है, आसाम। ओके, तो आसाम रो जगह रही गुवाहाटी, तो गुवाहाटी पाखरु 8 किलोमीटर दूर रही कौन ना कामाख्या टेम्पल। ओके, तो क्वेश्चन रे जदि आसे आपण मानको पचारे कि कामाख्या टेम्पल इंडिया कौन स्टेट अवस्थित, आपण मैंने मारे आसाम। ठीक अच्छे, आसाम गुवाहाटी जो रही तो 8 किलोमीटर दूर रही कामाख्या टेम्पल। तापर दुई नंबर कौन रही, कथकली डांस फॉर्म वाज ओरिजिनेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कथकली डांस फॉर्म कौन स्टेट रु ओरिजिनेट होई, कथकली डांस कौन स्टेट रु ओरिजिनेट होई पचार। कथकली आसो माने केरल मारे। ठीक अच्छे, ऑप्शन ए एटी राइट आंसर हो, कर्नाटक राजस्थान तमिलनाडु किसी मारे नहीं। भारतनाट्यम कथा आम तमिलनाडु पाख को जाते, बाकी एटी कथकली पचार कथकलीटा हूँ केरल ओरिजिनेट होती। ओके, इजी क्वेश्चन रही आप आराम से करेंगे। तीन नंबर, वेयर इज कुचिपुड़ी डांस स्टाइल फेमस, कुचिपुड़ी डांस स्टाइल कौंठारे प्रसिद्ध। कुचिपुड़ी कथा पचार आगर कही, कुचिपुड़ी कथा आसब माने पुड़ा पिठा कथा मन पकेबे, पुड़ा पिठा। ठीक अच्छे, तो आंसर कौन है ना आंध्र प्रदेश हम। देखु आपण मैने पुड़ा पिठा खाया कौटी को जीवे ना आंध्र प्रदेश को। ठीक अच्छे, तो कुचिपुड़ी आपण मैंने पुड़ा पिठा रिलेट कर मन रखु, तो कुचिपुड़ी आसो मैंने आपण मैंने मन पकेबे पुड़ा पिठा खाया कौटी जीवे ना आंध्र प्रदेश जी। बास कुचिपुड़ी हो आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर। ओके, तो जिके एमती किसी रिलेटेड करके मन रखु ताल आपर मन रही। ओके, व्हाट इज द मोटो ऑफ नेशनल एम्ब्लेम, जो रही आमर राष्ट्रीय प्रतीक व जातीय प्रतीक कही पार तार मोटो कौन, चार नंबर आंसर कौन है, सत्यमेव जयते। तो आमर नेशनल एम्ब्लेम व राष्ट्रीय प्रतीकर मोटो हूँ सत्यमेव जयते। ठीक अच्छे, तापर व्हेन डू वी सेलिब्रेट फॉरेस्ट डे इन इंडिया। तो आम आम भारत में फॉरेस्ट डे जंगल दिवस केबे पालन करितौ, इंपोर्टेंट डे जो परे क्वेश्चन रही। पांच नंबर आंसर कौन है, फर्स्ट जुलाई। तो प्रत्येक वर्ष जुलाई 1 तारीख को आम फॉरेस्ट डे जंगल दिवस पालन करितौ। ठीक अच्छे, तो जो मैंने जानते दुई मिनिट वीडियो को स्किप करके पलै जातु। तो देखु आरआईएआर ओमिन एसएफएस और आईसीडीएस सुपरवाइजर पर टेलीग्राम रे आमर गोटे पेड ग्रुप रही, तो जो मैंने जॉइन हेबा पई इंटरेस्टेड अछंती जॉइन हो पारे। तो एथिरे आपण मानकु डेली सब सब्जेक्ट रु 50 क्वेश्चन प्राक्टिस करिया पे मिलिबो, जेमिति कि जीके रे 10, उड़िया 10, मैथ 10, इंग्लीश 10 एवं रिजनिंग रे 10टी, या सहित 10टी फुल मॉक टेस्ट सहित तार सॉल्यूशन मध्ये मिलि जिवो। फुल मॉक टेस्ट देले आपण मानकर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो, आपण माने 100 मार्क रु केते मार्क रखुछन जानी परिबे आउ से अनुसार प्रिपरेशन करि परिबे। तो एथिरे जॉइन हेबा पई हेले प्राइस रही ओल्ड स्टूडेंट मानक 55, न्यू स्टूडेंट मानक 75। तो ओल्ड स्टूडेंट को माने ना जो माने आगुरु आमर टेलीग्राम रो जेकोनसे पेड ग्रुप रे जॉइन हेथिले समाने 55 टका पे करिवे, आ जो माने न्यू स्टूडेंट अछन्ते समाने 75 टका पे करिवे। तो ये जो नंबर टी रही है नंबर आपण मैंने फोन पे ना गूगल पे मध्यम पेमेंट करदे, नेम आसो तपन कुमार बेहरा।
पेमेंट कर सारे तार स्क्रीनशॉट आपण मैंने नंबर व्हाट्सएप रही पठाईदे स्क्रीनशॉट पठाई सारे मुझे ग्रुप रे जॉइन करदेवी। तो देखु से ग्रुप रे जॉइन होगा आपण मानक स्टडी मटेरियल मिल ओडिशा जिके रे 400 रु अधिक सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जिके रे 500 टी कंप्यूटर 300 टी साइंस 800 टी करंट अफेयर मिल जाव लास्ट 6 मंथ रो। तो यह सब आपण मानक पीडीएफ फॉर्मेट रे मिल जाव। तो आपण माने जो दिन भी जॉइन होंतु ना काई कि सब स्टडी मटेरियल सहित फुल मॉक टेस्ट पाइबे से व्यस्त होगा दरकार ना। तो देखो टेलीग्राम रे एमती ग्रुप रही तो एमती क्वेश्चन आसो ऑप्शन मध्य रही जो ऑप्शन टा आपण मानक ठीक लगे आपण मैंने से क्लिक करेंगे सांगे सांगे जना पड़े से भूल कि ठीक। तो ये ऊपर जो ग्रुप नेम लिखाई से क्लिक करेंगे तापर एमती पेज आसो। तो ये जो फाइल्स लिखाई से क्लिक करेंगे तापर एमती पेज आसो। तो ये सब स्टडी मटेरियल सहित फुल मॉक टेस्ट रही आपण मैंने डाउनलोड करके प्रिपेरेसन करेंगे। तो जो मैंने भी एग्जाम पे सीरीयसली प्रिपेरेसन करुंट से माने जल्दी जल्दी जॉइन हो जातु। तापर पुणी इंपोर्टेंट डे जो पर गोटे क्वेश्चन रही अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ डे बा पृथ्वी दिवस केबे पालन करा जाय आंसर जो 22 अप्रैल। तो प्रत्येक वर्ष अप्रैल 22 तारीख को अर्थ डे पालन करा जाय ठीक अच्छे मन रखु एगुड़ी इंपोर्टेंट रही एग्जाम आपण मानक पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाव। क्वेन वाज द रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया। तो आम भारत में रेलवे केबे स्टार्ट होता बड़ा क्वेश्चन गोटे रही प्राय एग्जाम क्वेश्चन आसे 1853 ठीक अच्छे। तो कौठारु कौठा को चली थिला ना बॉम्बे रु थाने पर्यंत चली थिला 34 किलोमीटर चली थिला बस एतिक पॉइंट आपण मानक मन रखिवार अच्छे ओके। तो इंडिया रे प्रथम रेलवे केबे स्टार्ट होता 1853 ओके। तो से ट्रेन जो चली थिला बॉम्बे रु थाने पर्यंत 34 किलोमीटर ओके। तापर आठ नंबर कौन रही ह्वेन इज द इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल योग डे केबे पालन करा जाए आठ नंबर आंसर कौन हो जून 21। तो प्रत्येक वर्ष जून 21 तारीख को इंटरनेशनल योग डे पालन करा जाए। तो आपण मानक गोटे ये होमवर्क दौर 2024 जो इंटरनेशनल योग डे पालन करा तार थीम कौन आपण मैंने कमेंट बॉक्स में जनइबे बस ये आपण मानक आज होमवर्क रहा ठीक अच्छे। तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्राउन पेपर निम्नलिखित मध्य क्या ब्राउन पेपर कह जाए आंसर है जूट। जूट को कह जाए ब्राउन पेपर बस क्वेश्चन रे किछि नै ओके। जिके रे आपण माने क्वेश्चन पढ़िबे ऑप्शन देखे खाली फटाफट मारिबे ओके। तो जो मैंने वीडियो को लाइक करना फटाफट लाइक करूँ आउ सांग मान सहित फेसबुक व्हाट्सएप सब थे शेयर कर दिंतु आ समस्त टिके निहाती चैनल को सब्सक्राइब करूँ कहीं 1 लाख रे बहुत पाखरे रही जाए ठीक अच्छे। व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो आम भारत में सबुठ बड़ स्टेट बा बड़ राज्य कौनटा एटा एरिया वाइज ठीक अच्छे क्षेत्रफल वाइज 10 नंबर आंसर कौन हो राजस्थान हम ओके। तो ता तल को आसो मध्य प्रदेश ता तल को आसो महाराष्ट्र ता तल को आसो यूपी बस ये मन रखु। तो इंडिया रे लार्जेस्ट स्टेट पचारे आप राजस्थान मारे तल को मध्यप्रदेश रोज महाराष्ट्र यूपी। तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया मैनचेस्टर क्या कहा जाए 11 नंबर आंसर कौन हो कोयंबटूर। कोयंबटूर को कहा जाए साउथ इंडिया मैनचेस्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही मन रखु। तापर बुल फाइट इज द नेशनल गेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन देशर राष्ट्रीय खेल जातीय खेल हूँ बुल फाइट मान संढ लड़ई। तो ये क्वेश्चन आंसर बहुत कम जन जानते 12 नंबर आंसर कौन हो स्पेन हम ठीक अच्छे। तो स्पेन राष्ट्रीय खेल जातीय खेल हूँ संढ लड़ई ओके। तो आपण मानक आज गोटे नुआ क्वेश्चन जानापी मिलला। तापर गोटे इजी क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत में प्रथम डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर किए थे देखो जिते फास्ट जहाँ जो सगुड़ी इंपोर्टेंट ठीक अच्छे। फास्ट गवर्नर जनरल पचार फास्ट गवर्नर एमती जो फास्ट लगे से गुड़ा इंपोर्टेंट रही ठीक अच्छे।
तो भारत प्रथम डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर किए थे 13 नंबर आंसर कौन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इंडिया रे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किए थे एटे डेप्युटी अच्छे यदि खाली प्राइम मिनिस्टर पचारे आपने जे एल नेहरू मारे जवाहरलाल नेहरू ठीक अच्छे। तो दुईटा क्वेश्चन मन रखते एग्जाम किसी भी आसीपे। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौट रही 14 नंबर आंसर कौन है उत्तराखंड मारिक जीवा ठीक अच्छे। तो देखो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ हूँ इंडिया ओल्डेस्ट नेशनल पार्क आपण मन को क्वेश्चन पचारि पारे कि ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इंडिया कौनटा ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रो फॉर्मेशन के होता फॉर्मेशन होता 1936 ठीक अच्छे। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को आगर कौन कहला ना हाइले नेशनल पार्क हाइले नेशनल पार्क मन रखु ये पॉइंट ये इंपोर्टेंट रही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रही उत्तराखंड में इंडिया ओल्डेस्ट नेशनल पार्क फॉर्मेशन होता 1936 आगर हाइले नेशनल पार्क कहला। ओके काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क कौन रही 15 नंबर आंसर कौन है आसाम काजीरंगा रही नमेरी नमेरी उरंग रही उरंग मानस रही ठीक अच्छे। ये सब नेशनल पार्क कौन रही सब आसाम रही काजीरंगा नमेरी उरंग मानस सब आसाम रही मन रखु तापर जीवा नेक्स्ट ग्रीन पार्क स्टेडियम इज लोकेटेड इन ग्रीन पार्क स्टेडियम कौन रही 16 नंबर आंसर कौन है कानपुर हम ठीक अच्छे। ग्रीन पार्क स्टेडियम रही कानपुर रे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ए चारोटी मध्य कौनटा आगरा फोर्ट हाँ ठीक अच्छे। आगरा फोर्टा केवे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता ना 1983 ठीक अच्छे। यूनेस्को फुल फॉर्म कौन ना यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन तापर इसको एजुकेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक अच्छे। यूनेस्को फुल फॉर्म है जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को हेलो ना यूएनईएसईओ ठीक अच्छे। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया आम भारत नेशनल फ्लावर कौन जातीय फूल कौन है समस्त जानते इजी क्वेश्चन गोटे छोट पिला पचारे से आंसर देदेव गोलाप केवला गोलाप नुहे लिली नुहे सनफ्लावर नुहे सनफ्लावर सूर्यमुखी लिली हूँ कहीं ये लोटस हम पद्म लोटस रोड़िया हूँ पद्म तो आपण मान गाँव में जो पोखरी थी से पद्म फूल हो। ओके तो इंडिया नेशनल फ्लावर हो लोटस पद्म 18 नंबर बी हम राइट आंसर। चलो नेक्स्ट द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज इंडिया नेशनल फ्रूट कौन जातीय फल पचार कौटा हम एवं चलती से सीजन 19 नंबर आंसर कौन है मैंगो हम आंब ठीक अच्छे। तापर हुयर वाज द पेपर इनभेन्टेड पेपर कौटे इनभेन्ट होता पचार पेपर कथ आस मैंने आप आखि बोझ चाइना मारे चाइना रे प्रथम पेपर इनभेन्ट होता ठीक अच्छे। तापर व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड बुर्ज खलीफा देखो वर्ल्ड रे टॉलेस्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर कही पार बिल्डिंग कही पार सब बड़ बिल्डिंग वर्ल्ड रे रही कौटी ना से आम ना हूँ बुर्ज खलीफा तो तार हाइट के पचार हाइट। ओके 21 नंबर आंसर कौन है 829 मीटर तो यहाँ कौट रही कि एटा रही दुबई रे ठीक अच्छे। तो वर्ल्ड रे टॉलेस्ट बिल्डिंग बा टॉलेस्ट स्ट्रक्चर पचारे बुर्ज खलीफा हम बुर्ज खलीफा रही कौटी दुबई रे तार हाइट हूँ 829 मीटर। ओके द पाकिस्तान कैपिटल सिंस 1959 वाज 1959 मसीहा पर्यंत पाकिस्तान रो कैपिटल कौन थी किए कहीपर
ଏଠି କରାଚି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ କରାଚି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିଛି ଇସଲାମାବାଦ କିନ୍ତୁ 1959 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କରାଚି ଓକେ तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तो कौन स्टेट रे बा कौन राज्य रे तेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रही छि 23 नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटी उत्तराखंड हबो ठीक अछि उत्तराखंड रे कौन नदी रे रही छि यदि पचारे तारे भागीरथी रिवर रही जबो भागीरथी रिवर ओके तो तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स रही छि उत्तराखंड रे कौन नदी रे रही छि भागीरथी नदी रे ओके नेक्स्ट व्हाट इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इटाली इटाली रो जातीय प्रतीक कौन इटाली कथा पचारि छि व्हाइट लिली हबो व्हाइट लिली माने कौन धळा कोई फूल ठीक अछि लिली रो उड़िया होची कोई फूल व्हाइट धळा कोई फूल बस माने रखंतु तापरे हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया तो इंडिया रो जो नेशनल फ्लैग रही छि जातीय पताका एमिति रही थाई ठीक अच्छे तो से जो स्पोक गोटे मझे रही था चक्र टाइप रो एमती जो स्पोक रही था कतोटी रही था पचार 24 हम ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइंड बाय राष्ट्रपति भवन किए डिजाइन कर 26 नंबर आंसर कौन हो एडविन लुटिंस तो जो राष्ट्रपति रहा राष्ट्रपति होम को कहा जाए राष्ट्रपति भवन तो एवं आम राष्ट्रपति किए अच्छा द्रौपदी मुर्मू आम ओडिशा लोक ठीक अच्छे राष्ट्रपति भवन कौन रही न्यू दिल्ली रे बस ओके व्हेन वाज इसरो एस्टाब्लिश्ड इसरो फॉर्मेशन के बेही थिला किए कोई परिवो 1969 हबो 1969 तो देखो इसरो हेडक्वार्टर कौन रही हेडक्वार्टर रही बेंगलुरु रे बेंगलुरु ओके तार प्रेजेंट चेयरमैन किए अच्छा एटा भी पचारि पारे एग्जाम रे ना एस सोमनाथ अच्छा एस सोमनाथ ओके तो ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट रही खाता रे नोट कर चलंतु तापरे द नेशनल एंथम वाज सोंग फास्ट इन तो आम जो जातीय संगीत प्रथमे कौठारे सुना जाइथिला ठीक अछि 28 नंबर अच्छा केबे सुना जाइथिला पचारि छि डेट पचारि छि 1911 हबो कौठे सुना जाइथिला ना कोलकाता रे ठीक अछि तापर जीवा नेक्स्ट तो देखंतु आपण मानक मध्ये जो मानकर मैथ हो नाइ बा जो माने मैथ रे वीक अछंती तो से माने मोर मैथ रो चैप्टर वाइज कंप्लीट वीडियो देखि परिबे तो परसेंटेज है गला प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा एमती सीरियल वाइज सब वीडियो देखि परिबे तो केमिति सब वीडियो देखिबे ना यूट्यूब रे सर्च करिबे ओडिसा स्टडी सेंटर तो जोंटी सब्सक्राइब लिखाई छि तार साइड रे जॉइन लिखाई छि तो जॉइन बटन रे क्लिक करिबे तापर एमती पेज आसीबो तो इट लिखाई छि सिल्वर प्लान 89 पर मंथ तो जॉइन रे क्लिक करके आपण माने पेमेंट करि देबे तापर एटी सब वीडियो खुले जेबो आपण माने एटी सब वीडियो देखि परिबे तो आपण माने ये सब वीडियो देखिपर ना प्लेलिस्ट सेक्शन को जी ये लिखाई मैथ जीरो टू हीरो बैच तो ये क्लिक करके आप सब वीडियो देखिपर तो आपण मैंने ये सब मैथ वीडियो देखूँ मुझे ग्यारंटी दूँ आपण मान मैथ बहुत स्ट्रंग जहाँफल आपण मैंने परीक्षा भल मार्क आनीपर कंगारू इज सिंबल ऑफ व्हिच कंट्री तो कौ देशर सिंबल हूँ कंगारू ना इजी क्वेश्चन रही है छोट पिला को भी पचारे कहीदेव ऑस्ट्रेलिया हम ठीक अच्छे ऑस्ट्रेलिया रो सिंबल होचे कौन कंगारू तापरे द ताजमहल इज बैडली अफेक्टेड बाय ताजमहल टा कहा द्वारा प्रभावित हो जी बाय अफेक्ट हो जी एसिड रेन अम्ल वर्षा द्वारा ठीक अच्छे ताजमहल कौन रही जी यूपी रो आगरा ठारे यूपी रो आगरा ठारे रही जी ठीक अच्छे तो आपण मन जदि केबे आगरा जाउछन ताल नियति भाबे ताजमहल देखि गासिबे ओके तो ताजमहल कहा द्वारा अफेक्ट हो जी ना एसिड रेन अम्ल वर्षा द्वारा तापर लास्ट क्वेश्चन द ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया इज तो इंडिया ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट कौनटा ये क्वेश्चन टी आपण मानक होमवर्क दौची ए क्वेश्चन आंसर टी आपण मानक कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिया पय पड़िबो तो आज मोर ए भिडियो टी आपण मानक बहुत हेल्पफुल हेइथिबो भिडियो टी भल लागिथिले उठ लाइक करिवे संग मानक शेयर करिवे
एवं चैनल को सब्सक्राइब करने भूलबेनी।